उत्तराखंड में मानसून काफी सक्रिय चल रहा है। मानसून के कारण सड़क पुल घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। अतिवृष्टि के कारण कृषि को भी काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम उत्तराखंड आई हुई है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, प्रभावितों को सहायता पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून समाप्त होते ही सड़कों की कनेक्टिविटी को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मानसून के कारण से काफी नुकसान राज्य के अंदर हुआ है, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, भवनों को नुकसान हुआ है, कृषि की जो हमारी फसलें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। तो उन सभी के लिए चूँकि एक आकलन कर रहे हैं, एनडीएमए की टीम भी यहाँ आई है, तो हमारा प्रयास है कि ये मानसून समाप्त हो और मानसून के समाप्त होते ही सबसे पहले तो जो कनेक्टिविटी हैं, रोड हैं, सड़क हैं, पुल हैं, उन सभी को सामान्य करें, तो उसके लिए भी जो है।